कांग्रेस की फूट का लाभ लेकर बीजेपी ने सरकार भले ही बना ली है, लेकिन सिंधिया समर्थकों को जिस तरह से तरजीह दी जा रही है इसके कारण बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई है। इसका इजहार भी बीजेपी नेता कर रहे हैं और ये संकेत भी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। पवैया ने भी एक ट्वीट के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन उसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के नाम से ट्वीट कर अपनी बात रखी थी। कमलनाथ सरकार से नाराज होकर जब सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की तो उसके बाद से ही लगने लगा था कि बीजेपी सरकार में सिंधिया एवं उनके समर्थकों को खासी तरजीह मिलने वाली है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें ये तरजीह दिखाई भी दी थी, क्योंकि कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थक 6 विधायक ही मंत्री थे, जबकि शिवराज सरकार में 14 सिंधिया समर्थकों को मंत्री पद से नवाजा गया। यही कारण है कि जिस तरह से सिंधिया को महत्व दिया जा रहा है उसके कारण बीजेपी के बड़े नेता भी सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। सत्ता व संगठन में महत्वपूर्ण पद संभालने वाले बीजेपी नेता भी जानते हैं कि सिंधिया समर्थकों के साथ सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो उपचुनाव में काफी दिक्कत हो सकती है। सिंधिया समर्थक एवं बीजेपी नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा संभाले हुए हैं। इस काम के लिए वह अंचल में कई दौरा कर चुके हैं और पहले वह अंचल में बीजेपी के बड़े नेताओं के घर पहुंचे थे और इसके बाद दूसरे दौरे में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के घर पहुँचे थे। बीजेपी उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वर्चुअल रैली कर रही है। ग्वालियर विधानसभा के लिए भी वर्चुअल रैली हो चुकी है, लेकिन उसमें पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया नहीं दिखाई दिए। पवैया शुरू से ही सिंधिया के खिलाफत करते आए हैं और उनके समर्थक पवैया के खिलाफ बोलते रहे हैं। वहीं ग्वालियर पूर्व की वर्चुअल रैली में भी बीजेपी के एक बड़े नेता नदारद रहे, जबकि उनका दोनों विधानसभा क्षेत्रों में खासा दबदबा है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।